अमृतम तप्त जीवनम कविविरीरितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भूयि गृणन्ति ये भूरिदा जना। नमस्कार। परिच्छेद 16, दिनांक 16 नवंबर 1882, षडभुज दर्शन, राजमोहन के मकान पर शुभागमन, नरेंद्र। आइए 16वां परिच्छेद का प्रथम हम पाठ करते हैं। श्री रामकृष्ण ने जिस दिन किले वाले मकान में सर्कस देखा, उसके दूसरे दिन फिर कलकत्ते में शुभागमन किया था। बृहस्पतिवार 16 नवंबर 1882, कार्तिक शुक्ला षष्ठी, आते ही पहले पहल गरान हट्टा में षडभुज महाप्रभु का दर्शन किया। वैष्णव साधुओं का अखाड़ा है, महंत है श्री गिरिधारी दास। षडभुज महाप्रभु की सेवा बहुत दिनों से चल रही है। श्री रामकृष्ण ने तीसरे प्रहर दर्शन किया। सायंकाल में कुछ देर बाद श्री रामकृष्ण सिमुलिया निवासी श्री राजमोहन के मकान पर गाड़ी से आ पहुँचे। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि यहाँ पर नरेंद्र आदि युवक मिलकर ब्राह्म समाज की उपासना करते हैं, इसीलिए वे आए हैं। मास्टर तथा और भी दो एक भक्त साथ हैं। श्री राजमोहन पुराने ब्राह्म भक्त हैं। ब्राह्म भक्त और सर्वसंग सर्वत्याग या संन्यास। श्री रामकृष्ण नरेंद्र को देख आनंदित हुए और बोले, तुम लोगों की उपासना देखूंगा। नरेंद्र गाना गाने लगे। युवकों में से श्री प्रिय आदि कोई कोई उपस्थित थे। अब उपासना हो रही है। नवयुवकों में से एक व्यक्ति उपासना कर रहे हैं। वे प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं। श्री रामकृष्ण को देख संभवतः उनका उद्दीपन हुआ है, इसीलिए सर्वत्याग की बात कह रहे हैं। मास्टर श्री रामकृष्ण के बहुत निकट ही बैठे थे। उन्होंने ही केवल सुना। श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं, सो तो हो चुका। श्री राजमोहन श्री रामकृष्ण को जलपान के लिए मकान के भीतर ले जा रहे हैं और यहाँ 16वां परिच्छेद समाप्त हो जाता है। वैसे इस परिच्छेद में बहुत कुछ डिस्कशन के लिए कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, बड़ा सीधा साधा परिच्छेद है। लेकिन हाँ, महेंद्रनाथ जी का ये एक प्रकार से ट्रूथफुलनेस है कि इतना छोटा डिस्कशन और लगभग 16 नवंबर की यानी ये परिच्छेद 26 ख़त्म भी हो गया, यानि उस दिन में महेंद्रनाथ जी की रामकृष्ण देव के साथ जो भी बातचीत हुई, यही उसका सार है। और बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ नहीं है। सत्यता इसलिए कि महेंद्रनाथ गुप्त ने, अरे ये तो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इसमें ठाकुर ने ज़्यादा कुछ बहुत आध्यात्मिक बातें नहीं की, तो इसको क्या लिखना। लेकिन फिर भी उन्होंने इसको लिखा है। क्यों लिखा है? छोड़ दे सकते थे। इसको छोड़ देने से वैसे कोई हानि तो नहीं है, क्योंकि अब अगर 17 परिच्छेद देखें
तो 17 परिच्छेद की तारीख है 19 नवंबर, यानी 16 नवंबर के बाद श्री रामकृष्ण देव से मिलने शायद महेंद्रनाथ गुप्त 17-18 तारीख को गए नहीं थे, जिसके फलस्वरूप 17 तारीख 18 नवंबर को क्या वार्तालाप हुआ ये सब कुछ रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन फिर भी 16 तारीख का यह संवाद बड़ा छोटा हुआ होते हुए भी महेंद्रनाथ ने लिख कर रखा, आज प्रकाशित भी हो गया है। उसमें उनको ऐसा शायद लग रहा है कि श्री रामकृष्ण देव से जो कुछ भी निकला वह भगवान की वाणी है। इसलिए यहाँ देखिए ये जो एक आखिरी परिच्छेद जहाँ नरेंद्र को देखकर श्री रामकृष्ण आनंदित हुए हैं और कह रहे हैं कि तुम लोगों की उपासना देखूंगा इत्यादि, और उस उपासना के दौरान एक नवयुवक शायद स्वयं श्री रामकृष्ण वह समझ नहीं रहा कि रामकृष्ण ही साक्षात भगवान है, लेकिन उनकी उपस्थिति में उसे उद्दीपना का अनुभव हो रहा है, शायद ऐसे महेंद्रनाथ लिखते हैं, संभवतः यानी पॉसिबली। अब पॉसिबली यह शब्द क्यों इस्तेमाल किया होगा कि वह भक्त इस जो प्रार्थना कर रहा है कि भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाओ। तो एक युवक है, उसके जीवन में तो उमंगे भरा जीवन होता है युवकों का, उमंगों से भरपूर, ये चाहत वो चाहत, यौवन शक्ति अपनी उफान पर होती है, संसार सुख इंद्रिय सुख एकदम प्रोमिनेंट दिमाग में बसे हुए रहते हैं। ऐसा सब कुछ होते हुए भी नवयुवक भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाओ, तो इस नवयुवक में यह त्याग की भावना जो जाग उठी है कि प्रार्थना कर रहा है, त्याग की भावना, त्याग के लिए प्रार्थना कर रहा है एक विश्वास के साथ, और श्री रामकृष्ण देव के उपस्थिति में जो भगवान है स्वयं, और निश्चित रूप से ठाकुर ने वह बात सुनी, सत्य सत्य सुनी, और परिणाम जोर से कुछ कहा नहीं लेकिन महेंद्रनाथ ने सुन लिया, सो तो हो चुका है। ये जो शब्द हैं इसको दो, इसकी दो डायमेंशन है, क्या आप बोल सकते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आपके चेहरे पर की कोई रिएक्शन मैं देख नहीं पाता, लेकिन यहाँ मैं सोच रहा हूँ सो तो हो चुका है। तो मृदु स्वर में रामकृष्ण कह रहे हैं, अर्थात ये नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है, यानी भक्त युवक भगवान सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं, सब कुछ छोड़ तुम में मग्न हो जाऊं, यानी उसने अभी तक छोड़ा नहीं है, हाँ छोड़ना चाह रहा है, लेकिन शायद ये भी समझ रहा है कि छोड़ना भी इतना आसान नहीं होता, कुछ कुछ बातें तो छूटती ही नहीं, जैसे
उदाहरणार्थ हमारा देह बोध छूटता नहीं है इतनी जल्दी, जुबान से भले ही कहें हाँ, लेकिन एक इच्छा है और बहुत भली इच्छा है भगवान के लिए सब कुछ छोड़कर उसकी ही चिंतन में मगन हो जाना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो ठाकुर रामकृष्ण बोल रहे हैं, सो तो हो चुका, तो इसका मतलब है वह नहीं हुआ। दिस इज इम्प्लाइड मीनिंग। अगर सार्कास्टिक टोन है तो इसका अर्थ अरे वो तो हो चुका, अर्थात वो नहीं होने वाला। और दूसरा अगर सकारात्मक, सो तो हो चुका, तुम चिंता मत करो। आइदर वे तो ठाकुर ने श्री रामकृष्ण मृदु स्वर में कह रहे हैं सो तो हो चुका, अर्थात श्री रामकृष्ण देव ने ऐसा लगता है कि वो प्रार्थना कबूल कर ली है। तो सच्चे दिल से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो उस हम जो कुछ भी भगवान को मांगते हैं उसमें अगर हमारा कल्याण होगा वही सब भगवान प्रदान करते हैं, नहीं तो नहीं। तो भगवान जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं, बहुत बार यही भाव लेकर रहना हो, हम चाहते भी हैं लेकिन हो नहीं पाता। चलिए अब हम परिच्छेद 17 की ओर बढ़ते हैं। परिच्छेद 17 अर्थात अध्याय 17 मनोमोहन तथा सुरेंद्र के मकान पर श्री राम कृष्ण। रविवार 19 नवंबर 1882। आज श्री जगद्धात्री पूजा है, सुरेंद्र ने निमंत्रण दिया है, वे भीतर बाहर हो रहे हैं। कब श्री रामकृष्ण आते हैं? मास्टर को देख वे कह रहे हैं तुम आए हो, और वे कहाँ हैं? इतने में श्री रामकृष्ण की गाड़ी आ खड़ी हुई, पास ही मनोमोहन का मकान है। श्री रामकृष्ण पहले वहीं पर उतरे, वहाँ पर जरा विश्राम करके सुरेंद्र के मकान पर जाएंगे। मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जिस प्रकार खली मिला हुआ चारा गाय को प्यारा है, दुर्योधन उतना धन उतना ऐश्वर्य दिखाने लगा पर उसके घर पर भगवान न गए, वे विदुर के घर गए। वे भक्तवत्सल है। जिस प्रकार गाय अपने बच्चे के पीछे पीछे दौड़ती है उसी प्रकार वे भी भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। श्री रामकृष्ण गाने लगे। भावार्थ यह है उस भाव के लिए परम योगी युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं कि जैसे लोहे को चुंबक। चैतन्य देव की आँखों से कृष्ण नाम से आंसू गिरने लगते थे। ईश्वर ही वस्तु है, शेष सब अवस्तु। मनुष्य चाहे तो ईश्वर को प्राप्त कर सकता है परंतु वह कामिनी कांचन का भोग करने में ही व्यस्त रहता है। सिर पर मणि रहते भी सांप मेंढक खाता रहता है। भक्ति ही सार है, ईश्वर का विचार करके भी उन्हें कौन जान सकेगा? मुझे भक्ति चाहिए,
उनका अनंत ऐश्वर्य है, उतना जानने की मुझे क्या आवश्यकता है। एक बोतल शराब से यदि नशा हो जाए तो फिर यह जानने की क्या आवश्यकता है कि कलाल की दुकान में कितने मन शराब हैं। एक लोटा जल से मेरी तृष्णा शांत हो सकती है। पृथ्वी में कितना जल है यह जानने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। और यहाँ परिच्छेद 17 का यह प्रथम भाग समाप्त होता है। यहाँ आप देखिए सुरेंद्र के, यानी उस दिन जगद्धात्री पूजा थी, सुरेंद्र ने निमंत्रण किया है, वो भीतर बाहर हो रहे हैं, कब रामकृष्ण आते हैं। देखिए वो भीतर बाहर हो रहे हैं, ये शब्द सुरेंद्र के अंतकरण में श्री रामकृष्ण देव को उनका स्वागत करने के लिए जो आतुरता जाग उठी है, जो आतुरता है, जो आंतरिकता है, इसलिए वे अंदर बाहर यानी एंग्जाइटी, एंग्शियस हो गए हैं बहुत, कब आएंगे, एक आतुरता, कब आएंगे रामकृष्ण, कब आएंगे रामकृष्ण। तो ये जो इंतज़ार और इंतज़ार जैसे अब किया नहीं जा रहा है, सहन शक्ति खत्म हो रही है, और मास्टर तो आ ही गए हैं तो मास्टर को देख भी वह पूछने लगे, अरे तुम तो हमेशा उनके साथ में आते हो, वो तो नहीं आए लेकिन तुम चले आए, वो कहाँ है। अर्थात यहाँ देखिए सुरेंद्र के अंतःकरण में मास्टर को लेकर क्या विचार हैं। ये जो एक व्यक्तिमत्व की बात आ जाती है, तो महेंद्रनाथ गुप्त समय समय पर श्री रामकृष्ण देव के जितना हो सके पास रहते हैं, और रामकृष्ण देव भी उनकी उपस्थिति से संतुष्ट रहते हैं, जगह जगह उनके साथ, उनको साथ ले जाते हैं। यह बात लगभग उस समय के जो रामकृष्ण देव के पास आने जाने वाले भक्त थे, शायद सभी को उसकी जानकारी हो गई थी, और इसलिए मास्टर को देखकर सुरेंद्र को लगा कि अरे मास्टर भी आए होंगे, ठाकुर आए होंगे, लेकिन देखते हैं ठाकुर तो नहीं है, इसलिए शायद कह रहे हैं कि तुम आए हो और वे कहाँ हैं। सुरेंद्र के घर के पास ही मनोमोहन मित्र का घर है, उनके यहाँ श्री रामकृष्ण पधारे, वहाँ पर विश्राम, कुछ जलपान वगैरह कर लिया, और ठाकुर सुरेंद्र के मकान में आए हैं, और बैठक में बैठते ही ठाकुर कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है, मैं उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। अब देखिए आ रहे हैं, निमंत्रण किसने दिया है, सुरेंद्र ने, तो ठाकुर को आना तो चाहिए सुरेंद्र के घर पहले, लेकिन सुरेंद्र के घर न जाकर उनके पहले मनोमोहन मित्र का घर आता है, इसलिए पहले उनके घर चले गए, वहाँ विश्राम किया और फिर सुरेंद्र के मकान पर आए। अर्थात मनोमोहन मित्र जिनके घर ठाकुर पहले गए, यह श्रेष्ठ कनिष्ठ की बात नहीं है, यह सिर्फ भक्त और भगवान की बात है। ये जो ठाकुर वाक्य उच्चार कर रहे हैं, मनोमोहन के बैठक खाने में श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, जो असहाय दीन दरिद्र है उसकी भक्ति ईश्वर को प्यारी है। जो असहाय दीन दरिद्र, तो
मनोमोहन मित्र क्या असहाय है या दीन है, दरिद्र है? वैसे दीन शब्द अलग होता है, व्यवहार में दीन दरिद्र ये बड़े साथ में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दीन का अर्थ बहुत सब कुछ प्रयास करने के बाद कुछ भी सकारात्मक नहीं हो रहा है, सब कुछ मेरा खो गया है, न संपत्ति है, न भक्ति है, न वैराग्य है, मैं इस कदर रीता खाली हो गया हूँ और थक गया हूँ। ये दीन शब्द कुछ थकावट की बात जैसे समझा रहा है, क्योंकि असहाय और ये थकावट या दीन भाव यह काफ़ी संघर्ष के बाद इंसान जब वक्त के साथ साथ वक्त के थप्पड़ खाता है, समय समय पर खास रूप से कठिन प्रसंग आकर, जब पैसा नहीं रहता तो बहुत बार प्रसिद्धि नहीं रहती या प्रतिष्ठा भी नहीं रहती, लोग पूछते नहीं हैं, ऐसे अवस्था में मनुष्य अपने आप को असहाय दीन समझने लगता है, क्योंकि संपत्ति, भौतिक संपत्ति, प्रतिष्ठा ये वो सब चला गया और बचा क्या, तो दारिद्र्य। तो एक तरह से असहाय दीन दरिद्र यह जो एक सीक्वेंस है, यह अपने आप में बहुत कुछ चिंतन करने लायक है कि व्यक्ति असहाय कब होता है, वह दीन कब होता है और वह फाइनली दरिद्र इस अवस्था पर कैसे पहुंचता है। वैसे दरिद्र यह शब्द संसार में अक्सर संपत्ति को, अर्थात भौतिक रुपया पैसा, इसको लेकर ही, उसको लेकर ये दरिद्र शब्द आता है। गरीब, तो गाय भी गरीब होती है, बहुत से इंसान गरीब होते हैं, तो गरीब इंसान क्या दरिद्री होना आवश्यक है? पैसा नहीं है तो दरिद्र है, आजकल की परिभाषा में तो मान लेते हैं कि जिसके पास पैसा नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनको बड़ी दरिद्र अवस्था है, ऐसा बोल सकते हैं, पॉवर्टी। लेकिन ये वैसे ये तीनों शब्द अपने आप में सपोर्टिंग ईच अदर हैं और इसीलिए ये बहुत बार साथ साथ व्यवहार होते हैं। और मनोमोहन की भक्ति निश्चित ही ईश्वर को प्यारी है और इसीलिए ठाकुर पहले उनके मकान पर पधारे हैं और वहाँ आते ही ठाकुर जो गाना कह रहे हैं, ये जो दीन या असहाय ये जो भाव है, तो ठाकुर गाना गा रहे हैं उस भाव के लिए परम योगी युग युगांतर तक योग करते हैं। भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। अर्थात यह जो दीन भाव है कि हे प्रभु, मैं सेंस ऑफ पोजेशन त्याग चुका हूँ, मैं अनासक्ति का अभ्यास करता हूँ, संयम बरतता हूँ, सत्य वचन का पालन करता हूँ, सद्गुणों की राह पर चलने का पूरा प्रयास करता हूँ, तुम्हें सतत स्मरण रखने का प्रयास करता हूँ, सब कुछ करते हुए भी प्रभु अब मुझसे नहीं हो रहा है, आपके दर्शन भी नहीं, ऐसा लग रहा है न घर का न घाट का प्रभु ऐसी अवस्था में मत डालिए, आपको जो जहाँ रखना है रखिए, लेकिन इस झूलती अवस्था से उबार लीजिए।
कितने ही प्रकार के विचार मनुष्य की असहायता या दीनता दर्शाती हैं। दीनता का एक अर्थ हो जाता है दीन, यहाँ दीनता शब्द नहीं है, सॉरी दीन ही शब्द है, लेकिन दीनता के साथ ता जोड़ दिया तो दीनता का अर्थ होता है नम्रता भी। तो यहाँ वैसे भी सद्गुणों में नम्रता तो है ही, तो मनोमोहन मित्र का व्यक्तिमत्व इस कदर होगा कि ठाकुर जैसे यहाँ कह रहे हैं कि भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। तो यहाँ ठाकुर खुद होकर मनोमोहन पर के मकान पर चले गए हैं, खुद होकर। वैसे मनोमोहन मित्र ने निमंत्रण दिया है ऐसा लिखा नहीं है, निमंत्रण वास्तव में सुरेंद्रनाथ जी ने दिया है। और ऑन द वे मनोमोहन मित्र बाबू का घर है, बस बात इतनी सी है। लेकिन जैसे श्री रामकृष्ण देव ने यह जता दिया कि मनोमोहन तुम में श्रद्धा भक्ति व्याकुलता का उदय हुआ है, तो भाव का उदय होने पर वे ऐसे ही खींच लेते हैं जैसे लोहे को चुंबक। तो जब हर तरह से मनुष्य ईश्वरीय वस्तु में आनंद लेने लगता है, जो परिस्थिति आई उसको प्रभु का आशीर्वाद मानकर जीवन यापन कर रहे हैं, जो प्रभु के द्वारा जो अच्छा बुरा उसका सहजानंद से स्वीकार कर रहे हैं, ऐसे लोग अर्थात खींचे हुए भगवान के पास ही आ जाते हैं। लोह चुंबक अर्थात चुंबक जो है वह खींच लेता है लोहे को। तो एक तरह से हमारी असहायता, हमारा दीन और दरिद्री अर्थात मैं सब तरह से लुट गया हूँ प्रभु रक्षा कीजिए, इस तरह से एक शरणागति एक प्रकार की, तभी भगवान भक्त को अपनी ओर आकर्षित करते हुए उसको आध्यात्म की राह पर ले चलते हैं। आज बस यहीं तक। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्थ।